एनडीए को नाम नहीं, मैंने अभी अपने प्रेस में बताया कि जो राष्ट्रीय जो लोकसभा का चुनाव है शीर्ष नेतृत्व और पार्टी पर होता है, और प्रदेश का चुनाव होता है वो पार्टी और मुख्यमंत्री के चेहरे पर होता है, और हम लोग लगातार जीत रहे हैं, और जो उपचुनाव होते हैं वो प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर अगर है तो वो उनके ऊपर है, वो पार्टी और एनडीए के ऊपर नहीं आ जा सकता। अच्छा, इससे क्या दबाव पड़ेगा एनडीए पे, क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला चुनाव था, कोई भी पहला चुनाव था जिसमें हार हुई है एनडीए की? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपने देखा कि हमने 3 चुनाव ऐसे भी इससे पहले जिता कर दिया और बेहतर परिणाम दिया है, और इसे कुछ नहीं देखा जा सकता। और केंद्र का चुनाव और मोदी के चेहरे का, मोदी के काम का चुनाव है, और हम लोग भारत की अस्मिता का चुनाव है, और राष्ट्रवाद पर चुनाव है, और दुनिया में एक पहचान बनाया है उसका चुनाव है, और सबको गरीबों तक अनाज पहुंचाया, मकान दिया, इलाज दिया, उनको सम्मान दिया। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग नहीं कह सकता कि हमारे कल्याण के लिए कोई कानून नहीं। हार की वजह क्या है? मैंने बता दिया पहले कि लोकल जो उपचुनाव होता है प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर था इसलिए मुझसे मतदान हुआ। मैं अपनी बात कर सकता हूं कि हमारे पास 43 गांव थे 43, और 43 गांव में मैं से 40 में जीता हूं, 80% वोट मिला। 3 जो गांव जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के गलत बयानबाजी की वजह से हमारी निषाद समझे। अब राजभर के बारे में राजभर भैया बताएंगे कि हम अपनी बात बताते हैं ऑन रिकॉर्ड। हमने हमारे तरफ क्या है चुनाव, जितना हमने वोट दिया है, समीक्षा करेंगे निश्चित रूप से। हार की समीक्षा एनडीए करेगी, पार्टी करती रहती है कि क्यों किसके है जनता की, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता के जनादेश सब लोग स्वीकार करते हैं, और जनता के जो है भावनाओं के अनुरूप जो चलता वही सत्ता में, तो भावनाओं का ध्यान दिया जाएगा, और निश्चित रूप से सरकार उस पर समीक्षा करेगी।